जय माता दी। नवरात्रि की संपूर्ण विधि विधान से कैसे आप सभी सरलतम तरीके से पूजा करें, इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले जहां पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस स्थान को सजावट के तहत साफ स्वच्छ कर लीजिए और संपूर्ण रूप से इस पूजा में कलश स्थापना अर्थात घट स्थापना बहुत शुभ मानी जाती है। तो आप 5 या 7 आम के या जो है अशोक के पत्ते ले लीजिए, उनमें टीका चंदन इत्यादि लगा दीजिए। हालाँकि कलश स्थापना का पूरा वीडियो इससे पहले दिया गया है, इसलिए इसमें मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा रही हूं। तो आप सभी जिस भी कलश में पूजन करें उसमें जल भर लीजिए, गंगा जल मिश्रित करके स्वास्तिक बना लीजिए, कंठ पर मौली बांध लीजिए और उसके अंदर आप 1 रुपए का सिक्का, अक्षत, दुर्वा और फूल हल्दी के गांठ डाल दीजिए। अब जहां पर भी आप सभी को पूजा करनी है अर्थात कलश स्थापना करनी है, अष्टदल कमल बना दीजिए सरलतम तरीके से। इससे पहले वीडियो दिया हुआ है उसमें पूरी तरह से आप देख सकते हैं, वहां पर नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से चावल भी रख सकते हैं। आप माता रानी के दाहिने तरफ कलश स्थापना करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। और आप सभी जो है कलश के ऊपर एक नारियल रखें, नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए और कलश में आप सभी रोली इत्यादि, चंदन इत्यादि समर्पित करें। पुष्प इत्यादि समर्पित करने के बाद आप सभी अगर ज्वारे बो रहे हैं तो साफ सुथरी सी मिट्टी ले लीजिए, उसमें जौ और आप सभी गेहूँ डालकर ज्वारे बो दीजिए। मिट्टी को बोने से पहले इसमें थोड़ा सा रोली चंदन जरूर से छिड़क दीजिएगा। एक प्लेट के ऊपर स्वास्तिक बनाकर आप सभी उसके ऊपर निरंतर 9 दिन तक जो है माता रानी के समक्ष इस तरह से भी रख सकते हैं जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। आप चाहें तो कलश स्थापना साधारण सरल तरीके से इस तरह से भी कर सकते हैं। भक्तजन ज्वारे के ऊपर भी कलश स्थापना करते हैं घट स्थापना के रूप में, नहीं तो आप समय जगह का अभाव है या आपको लगता है कि यहाँ पर स्थान नहीं होगा तो साइड में आप माता रानी के दूसरी तरफ ज्वारे बो दीजिए और एक साइड कलश की स्थापना कर दीजिए। इस तरह से यह कलश स्थापना और घट स्थापना का विधान होता है। इसका विस्तार से भी वीडियो आपको जरूर से दूंगी। अब आरती अब पूजा करना शुरू करते हैं तो पूजा करने के लिए बाजार से लाई गई सभी सामग्री पर स्नान का भाव करते हुए हम जल का छीटन देंगे, ठीक है। स्वयं के ऊपर भी जल का छीटन देंगे। सामग्री की वीडियो भी आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। अभी आप संपूर्णतया पूजा विधि देख लीजिए, इसमें सामग्री भी आपको ज्ञात हो जाएगी। बाजार से लाई हुई सामग्री पर जल छिड़क दिया, स्वयं की भी मुख शुद्धि हमने कर ली, स्वयं पर भी जल इत्यादि के हमने छींटे डाल दिए। उसके पश्चात किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्र विधान कहता है दीपक हमारी पूजा का साक्षी होता है और सबसे पहले पूजा का यही विधान कहा गया है। साथ ही मैंने माता रानी की फोटो प्रतिमा में भी थोड़ा सा चावल का आसन देकर उन्हें विराजमान कर लिया है। साथ में गणेश जी महाराज को भी मैंने विराजमान कर लिया है। प्रथम पूजनीय गणेश जी महाराज है तो उन्हें स्थापित करना जरूरी है। अब धूप मैंने लगा ली है और साथ ही दीप प्रज्वलित कर लिया है। साफ स्वच्छ भाव से आप सभी भी माता रानी के आगमन के लिए तैयारी करें। कलश स्थापना का बहुत सरलतम तरीके से इससे पहले विधान कैसा है उसका वीडियो दिया जा चुका है, कृपया उस वीडियो को भी आप सभी से जरूर से देखें। अब हम सभी 9 दिन व्रत का विधान करेंगे अर्थात संकल्प लेंगे, नाम गोत्र बोलकर थोड़ा सा अक्षत और फूल अपने हाथ में लेंगे, अपने पितृ देवी देवता, अपने इष्ट देवी देवता, नवग्रह और सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हुए उनको आमंत्रित करेंगे। यही जो है संकल्प का विधान और उनका स्मरण करना संपूर्ण नियम के तहत आता है। अब आप सभी जानते होंगे सबसे पहले गणेश जी महाराज की पूजा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, तो आप सभी सबसे पहले गणेश जी महाराज पर रोली, चंदन, मोली इत्यादि समर्पित करें, उन्हें दुर्वा समर्पित करें और साथ ही यज्ञोपवीत समर्पित करें। यज्ञोपवीत नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है, मौली को 7 बार लपेट कर अपने हाथ में ही उसमें थोड़ा सा चंदन इत्यादि लगाकर आप सभी गणेश जी महाराज को समर्पित करें जनेऊ के भाव से। इस तरह से भी पूजा की जा सकती है। इस तरह से आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो वह भी विराजमान कर लीजिए। अब माता रानी पर हम रोली लगाएंगे, माता रानी के सरल मंत्रों का जाप करते हुए माता रानी के सभी स्वरूप और साथ ही माता रानी का शेर, उनका वाहन भी उनके साथ है, उस पर भी हम रोली चंदन लगाएंगे और कलश देवता जिसमें वरुण कलश के रूप में कहा जाता है ये माता रानी का साक्षात स्वरूप है, नारियल स्वरूप में माता रानी मानी जाती है, इसके अंदर जल समर्पित किया जाता है तो सभी देवी देवता इसमें समाहित होते हैं, आकर वास करते हैं, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी देवी देवताओं को पुष्प समर्पित करें, माता रानी, गणेश जी महाराज, कलश देवता को पुष्प समर्पित करें और साथ ही माता रानी को आप सभी चुन्नी समर्पित करें, नई चुन्नी लाकर उन्हें समर्पित करें, शुभ माना जाता है। मौली समर्पित करें, कलावा जो कि वस्त्र के रूप में जाना जाता है,
है। इस तरह से सभी देवी देवताओं को सभी चीज़ें आप सभी जो आपके पास उपलब्ध हो वह सभी चीज़ें जो है समर्पित करें। साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से आपने जो ज्वारे बो रखे हैं ज्वारे में भी आप सभी जो है विशेष रूप से रोली चंदन मोली और पुष्प जरूर से समर्पित करें। साथ ही माता रानी को आप फूलों की माला समर्पित करें। आपकी इच्छा है आप किस तरह से बड़ी पूजा करना चाहते हैं या सरलतम रूप में सरलतम भाव से भी आप पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ ही माता रानी को इत्र बहुत प्रिय होता है तो आप सभी सबसे पहले गणेश जी महाराज को इत्र समर्पित करें, माता रानी को भी इत्र समर्पित करें। सुप्ता के रूप में जाना जाता है। माता रानी की पूजा में शंख घंट का होना भी शास्त्र विधान कहता है आवश्यक होता है, तो वह भी आप सभी जरूर से करें। सरल सी पूजा होती है नवरात्रि की। हालांकि मैं आप सभी को बिना कलश स्थापना के भी जरूर वीडियो दूंगी जिसमें आप बिना कलश स्थापना के भी पूजा कर सकते हैं। तो आप सभी कलश स्थापना करते हैं तो बहुत शुभ अत्यधिक शुभता के रूप में इसे जाना जाता है। प्रयत्न करें आप सभी सरलतम भाव से कलश स्थापना कर लें। नहीं भी कर पाते हैं तो आप सभी जो है एक रोज जल का लोटा इस स्थान पर जरूर से रखें। माता रानी को बहुत अधिक प्रिय होता है जो पान का पत्ता और उसमें लौंग आप सभी जरूर से समर्पित करें। इलायची माता रानी को खूब प्रिय है और साथ ही बताशे का भोग लगाना। माता रानी को आप कुछ भी नहीं लगाते हैं तो इन 9 दिनों में लगातार जो है आप लौंग का जोड़ा, पान के पत्ते में नहीं हो पाता सरलतम भाव से लौंग का जोड़ा और विशेष तौर पर माता रानी को आप सभी को आवश्यक रूप से उसमें बताशा या गुड़ रखकर जरूर से समर्पित करना चाहिए। उससे पहले मैं आप सभी को सिर्फ यह दिखा रही थी तो आप सभी को माता रानी के लिए श्रृंगार की सामग्री जिसमें सिंदूर, महावर, रोली, चंदन, मेहंदी जो आपको माता रानी के लिए कहने का अर्थ है 16 श्रृंगार की सामग्री में चाहे तो आप प्रथम दिन चढ़ाएं, चाहे तो किसी भी एक दिन 9 दिन में आप चढ़ा सकते हैं, इच्छा आपकी है। बहुत अधिक संख्या में लाना चाहते हैं तो शुभ है, नहीं तो आप साधारण सरल तरीके से माता रानी के लिए छोटी सी चुन्नी नई लाएं लाल रंग की और सिंदूर, महावर और बिंदी और मेहंदी तो जरूर से चढ़ाएं। यह सब कामना सिद्धि में भी सहायक माना जाता है। अब हम फलों का भोग माता रानी को मौसमी फलों का भोग लगाएंगे। सबसे पहले गणेश जी महाराज को भोग लगाएंगे और साथ ही माता रानी को भोग लगाएंगे और साथ ही घर में जो मौसमी फल हैं और साथ ही कुछ मेवे मिठाई इत्यादि है तो उनका भोग भी जरूर से लगाएं। यही जो है संपूर्ण साधारण पूजा का विधान होता है। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से जो आप नहीं ला पाए हैं, जो हम चीज़ नहीं ला पाते हैं उसकी क्षतिपूर्ति के लिए माता रानी को भेंट भी हम सभी जरूर से समर्पित करते हैं। यह बहुत शुद्धि के और संपूर्ण स्वरूप के रूप में जाना जाता है। इसके साथ ही भोग समर्पित करने के बाद जल का लोटा भी माता रानी के समक्ष उन्हें जलपान के लिए भोग के साथ साथ रखना चाहिए। साथ ही जो आप रोज जो है पान का पत्ता जिस पर आपको एक सुपारी और जो लौंग का जोड़ा है फूल वाली लौंग और इलायची जरूर से आपको माता रानी को मुख शुद्धि के लिए समर्पित करना चाहिए। यह बहुत प्रिय माता रानी को है, सब कामना की शुद्धि के लिए बहुत सहायक माना जाता है। इस तरह से आपको सरल सी पूजा करनी है। अब बारी आती है लघु हवन की, जिसे छोटे स्वरूप में हवन कहा जाता है। कोशिश करें करने की, नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, साधारण सरल सी पूजा भी आप कर सकते हैं। हवन करने की बहुत सरल छोटी सी प्रक्रिया होती है। 11 या 21 बार माता रानी के मंत्र का जाप करते हुए आप इसमें थोड़ा सा गोबर जो सूखे कंडे के रूप में होता है वह ले लीजिए, नहीं तो आप कपूर ले सकते हैं घी की मदद से और काले तिल इत्यादि और साथ ही लौंग का जूड़ा और इलायची की मदद से 11 या 21 बार माता रानी के मंत्र के साथ आप सभी आहुतियां दे दीजिए। थोड़ा सा कहा जाता है कि जो हवन होता है उसकी अग्नि से भगवान उसकी सुगंध से प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण करते हैं और हमारी पूजा को संपन्न करते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। आप सभी को जो है थोड़ा सा उसमें भगवान को जो भोग लगा रखा है उसमें से लेकर सामग्री भी समर्पित करनी चाहिए या सरलतम भाव से आप इस तरह से माता रानी के नाम का छोटा सा हवन आप कर सकते हैं। निश्चित ही इसके बहुत सारे लाभ कहे गए हैं, सरलतम प्रक्रिया है, विधान है, परंतु इसके अनगिनत लाभ कहे गए हैं। अभी मैंने सूक्ष्म रूप से आप सभी को दिखाने का प्रयत्न किया, आप भी इस तरह से जरूर से करें। अंत में आप सभी माता रानी का ध्यान स्मरण करने के बाद आरती कर लीजिएगा। आरती के लिए हम सभी एक दूसरा दीपक प्रज्वलित करेंगे, साथ ही कपूर भी प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले दीपक से आरती करेंगे परिवार के साथ, उसके पश्चात जो है कपूर से हम सभी आरती करेंगे। साथ ही आरती करने के बाद पूरे घर में कपूर को घुमाना शुभ माना जाता है और
और जल का छोटा सा छीटन अर्थात जल शीतलीकरण, दीप शीतलीकरण जिसे कहा जाता है, वह भी हम सभी जरूर से करेंगे। दीपक के ऊपर से 3 बार हम सभी जो है आरती के ऊपर से जल को हम 3 बार घुमाकर जमीन पर छोड़ देंगे। इस तरह से यह प्रक्रिया होती है। माता रानी का पूजन विधि विधान से करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का या दुर्गा चालीसा का पाठ करने का प्रयत्न करें। भूल चूक के लिए जो भी हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हो। माता रानी माँ के स्वरूप में है, आपकी सरल सी छोटी सी पूजा को भी वह स्वीकार करती हैं। इस तरह से यह संपूर्ण विधान होता है माता रानी के पूजन का। आप सभी भी करने का प्रयत्न करें और संपूर्णतया सरलतर विधान है, इसका लाभ अनगिनत है। जय माता दी।